के आपके अपने फेवरेट शो केबीपी यानी कौन बनेगा पद्मा पद्मपति में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम है आप सभी। फिर एक बार आज 15 तारीख के दिन जिस दिन है बाबा मिलन, हमारे साथ भी मिलन मनाने के लिए जुड़ चुके हैं, तो आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी बाबा मिलन। जिस दिन भगवान से मिलन बनाते हैं और उसे अपनी बाहों में समाते हैं और वो भी हमें अपने गले लगाकर हमें सुकून से भर देता है, सुख शांति शक्ति प्रदान कर देता है, तो बड़े ही प्यार से बाबा से मिलन मनाएं और खुशियों के गीत गाएं। तो चलिए, ये मौका तो मिलेगा, सारे दिन हमें अटेंशन रखना होता है, अपने को बाबा की याद में टिकाए रहना होता है, बुद्धि को इधर उधर से निकाल कर एक की याद में रहना होता है, तब हम मिलन का अनुभव कर पाते हैं। उसके लिए हम आपको मदद करेंगे और रिवाइज करेंगे ज्ञान मुरली को, क्योंकि जितना मुरली हमारी बुद्धि में होती है उतना हम मुरलीधर के नज़दीक होते हैं। तो चले करते हैं रिवाइज कल के मुरली को। बाबा कहते हैं, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो, तुम्हें सच खंड में जाने का मार्ग मिल रहा है, सत्य बाप ही बतला पाते हैं ऐसा मार्ग, और कोई तो बता नहीं सकता है। बाबा कहते हैं, ऐसा निश्चय अगर है कि इस मृत्यु लोक में अब हमारा यह अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का होना है विनाश, तभी हम जो है पतित से पावन बन पाएंगे, पावन बनने की ताकत हमारे में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसलिए बाप की श्रीमत है, पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः ही आ जाती है। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया जिस दिन का हमें था बरसों से इंतजार, 2500 साल इंतजार करा है, तब वो दिन आया है। इसलिए बाबा कहते हैं, जिगरी सुख का अनुभव करो, और अगर उसका अनुभव करना है तो बाप जो पढ़ाते उसे बुद्धि में धारण करो, विचार सागर मंथन करो, कब्रिस्तान को देखते हुए भी नहीं देखो, क्योंकि देखेंगे तो फंसेंगे, मोह माया में जाएंगे। इसलिए हियर नो एविल, सी नो एविल, डू नो एविल, थिंक नो एविल, टॉक नो एविल, ये 5 नो एविल याद रखिए, इससे बचाव करें तो सदा ही बाप की याद में मग्न रहेंगे और अपने आप को नई दुनिया के लायक जरूर बनाना है। साथ ही साथ वरदान दिया था कमाइन रूप की सेवा द्वारा, आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कम्बाइन रूप धारी भवा। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से तो प्रजा बनती है, लेकिन आवाज से परिस्थिति में अगर स्थित होकर आवाज में आते हैं तो फिर अव्यक्त स्थिति से कम्बाइन रूप की सेवा से वारिस बनते हैं। इसलिए आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं तो अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन कम्बाइन रूप धारी बन कम्बाइन रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। इसलिए साधनों में बेहद के वैराग वृद्धि के साधना मर्ज नहीं हो जाए, इस बात का बेहद अटेंशन रख के हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि मायावी दुनिया है, रावण का राज्य है, चारों तरफ उसी का ही डेरा है, तो ऐसे में भगवान के साथ जुड़े रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए रखना है अटेंशन अपने हर विचार पर, कर्मों पर और बोल पर। तो चलिए, अब बारी है शुरुआत करने की, रखने की आपके सामने 15/12/2021 की मुरली से 10 नए सवाल। पहला सवाल है, मीठे बच्चे, उच्च पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा है, इसलिए जितना चाहो उतना क्या कर लो। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए गैलप, ऑप्शन बी पुरुषार्थ, ऑप्शन सी मेहनत, ऑप्शन डी मालामाल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही जवाब बताते हैं ऑप्शन ए गैलप। तो बधाई हो जी, बधाई आप सभी को, दिया है पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, कर दिखाया है कमाल, जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स फिर एक बार, तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। पहले प्रश्न में जब हम हिम्मत ले आते हैं तो फिर आगे का सफर सहज हो जाता है, तो चलिए ऐसे हिम्मत बनाए रखिएगा, क्योंकि जहाँ हिम्मत है वहाँ मदद बाप ऑलरेडी है। तो रखते हैं दूसरा सवाल, मुरली का गीत पहचाने। 4 ऑप्शन, ऑप्शन है आखिर वह दिन आया आज, ऑप्शन बी तुम ही हो मात पिता, ऑप्शन सी जाग सजन या जाग, ऑप्शन डी भोलेनाथ से निराला। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Thank you.
फिर एक बार समय समाप्त हो चला है जी। सही जवाब शुंडी भोलेनाथ से निराला। वैसे तो कोई भी नहीं है भोलेनाथ से निराला, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया करे बाबा को। हे भोलेनाथ, तेरा शुक्रिया शुक्रिया, और हम भी आपको देते हैं बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। फिर एक बार दूसरे प्रश्न का देकर बिल्कुल सही जवाब कर दिखाया है आपने भी, कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। 30% खेल पूरा हुआ, बारी आ गई है ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की। बाबा ने क्या कहा है, बाबा कहते विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। अगर लक्ष्य है बाप समान बनना है तो पुरुषार्थ बता दिया है, पुरुषार्थ विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख जाएंगे तो उस दिन बाप समान बन जाएंगे। विस्तार में जाते इसलिए फंसते हैं, मोह माया के जाल में रह जाते हैं। तो इससे रहना है सावधान और बाप समान बनने का करना है पुरुषार्थ। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं तीसरा सवाल। बाबा ने इतने भपके से बच्चों से क्या की, बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बच्चों को तो और ही चास की आवाज से बोलना चाहिए। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी मेहनत, ऑप्शन सी गुड मॉर्निंग, ऑप्शन डी स्नेह। एंड योर टाइम स्टार्ट्स। ऑप्शन सी गुड मॉर्निंग। तो अब बाबा जब सुबह गुड मॉर्निंग बोले तो जरूर प्यार से गुड मॉर्निंग बोला है, जोर जोर से, दिल से भी बोला है और आवाज में भी बोला है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारक हो जी, मुबारक हो। 30% खेल पूरा और आपने कर दिखाया है फिर से कमाल, और आप जीत चुके हैं 10 points। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चलिए बधाइयाँ भी ले रहे हैं, शिक्षाएं भी ले रहे हैं प्रश्नों के भी माध्यम से, और ऐसे भी ले रहे हैं। तब बढ़ते आगे, रखते हैं चौथा सवाल। प्रजापिता ब्रह्मा को क्या कहते हैं, तो माता कहाँ। बाप बैठ समझाते हैं कि ये प्रजापिता भी है तो माता भी है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए क्या है आपको बता देते हैं ताकि आप जल्दी से दे सही जवाब। ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी देवता, ऑप्शन सी शिवोहम, ऑप्शन डी बाबा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय ने फिर इशारा दिया, वक्त समाप्त है। ऑप्शन ए पिता। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ सभी को। दिल की दुआएं फिर एक बार आपने बटोर ली है, क्योंकि आपने कर दिखाया है हिम्मत का काम और आप जीत चुके हैं 10 points। एक बार 40% खेल पूरा हो गया है, 30, 20, 40 points आपके पास आ गए हैं। तो कितनी बधाइयाँ आपको दें, 40 ग्राम बधाइयाँ तो ज़रूर लीजिए। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। बस ऐसे ही दृढ़ता के साथ बढ़ते रहे आगे और याद करते रहे परमपिता परमात्मा शिव बाबा को, क्योंकि याद रहेगी तो आत्मदी सुगति होगी। चलिए ज्ञान से भरपूर होते हैं, कौन सा गुहे राज पहले पहले नहीं समझाना है क्यों। बाबा कहते हैं ड्रामा का जो गुहे राज है वह पहले नहीं समझाना है, क्योंकि कई मून जाते हैं। ड्रामा का ज्ञान बहुत गहरा है, इसलिए जल्दी से किसी को उसे नहीं समझाना, ऊपर से बताना है। कहते हैं ड्रामा में होगा तो आप ही राज्य मिलेगा, आप ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के राज को पूरा ना समझ मतवाले बन जाते हैं, यह नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी पीने मिलेगा। बाबा कितनी बड़ी बात समझा रहे हैं कि जो है ड्रामा का जो ज्ञान है अच्छी रीति समझते नहीं, इसलिए कहते रहते हैं ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा, ड्रामा में होगा तो ऐसा वैसा। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलता, तो पुरुषार्थ के बिना विश्व की बात चाहिए कैसे मिलेगी। इसलिए रखना है टेंशन, ड्रामा पर थोपना नहीं है। बढ़ते आगे, रखते हैं पांचवा सवाल। कोई शूर बुद्धि होते हैं तो झट समझ जाते हैं, कितने वर्ष वाले से भी मांस वाले तीखे चले जाते हैं, इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत देरी से आए हैं। चार ऑप्शन, ऑप्शन 40, ऑप्शन डी 60, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 30। सेंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
समय तो आपके पास है थोड़ा सा। टाइम्स अप, सही जवाब ऑप्शन डी 30। तो फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 50% खेल तो पूरा हो गया है, जिसको आपने बड़े ही उमंग उत्साह के साथ खेला है, कॉन्फिडेंस दिखाते हुए खेला है। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे ही आने वाले अगले 5 प्रश्नों का भी दीजिएगा सही जवाब और अनुभव करिएगा बाप का वरदानी हाथ सिर पर। तो चलिए रखते हैं आपके सामने 6वां प्रश्न। बेहद का बाप अपने बच्चों को ये समझाते हैं, दूसरे धर्म वाले आते ही बाद में है। यह तो पुरानी दुनिया है, दैवी धर्म का फाउंडेशन ही सड़ गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि क्या था ही नहीं। 4 ऑप्शन, ऑप्शन विनाश, ऑप्शन बी फाउंडेशन, ऑप्शन सी पुण्य, ऑप्शन डी वतन एंड न्यू टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन बी फाउंडेशन। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फिर एक बार बधाई। 6वें प्रश्न का दे डाला है सही जवाब, कर दिखाया है कमाल आपने। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयां, बधाइयां और बधाइयां। फिर से बधाइयां तो आपने लूट ली है, भरपूर कर ली है अपने झोलियों को। तो चलिए ज्ञान भी लेते हैं। बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ, ऐसे फॉलो फादर करो। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ का ट्रस्टी बन ममत्व मिटा दो। लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप ने किया वैसे फॉलो फादर करो, ट्रस्टी बन जाओ और सब कुछ ईश्वर अर्थ समर्पित कर दो। लास्ट आए हैं लेकिन फास्ट जाना चाहते हैं तो याद और पढ़ाई पर देना होगा टेंशन, और पुराने संस्कार उपस्थितियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण आत्मा बनो। तो बहुत मीठी शिक्षा है, बारी आगे रखने के साथ वह सवाल। ज्ञान के राजों को पूरा समझते ही नहीं है, अरे पुरुषार्थ बिना तो क्या नहीं मिलेगा। आप ही थोड़ी पानी आकर मुंह में पड़ जाएगा। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी ज्ञानंजन, ऑप्शन डी सेल्वेज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त, सही जो ऑप्शन है पानी। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखते ही देखते 7 प्रश्नों का सिलसिला पूरा हो चला है। अब हम पहुंच रहे हैं और मंजिल के समीप। अगर 70 पॉइंट्स तक आप लेकर बैठे हैं, 60 पॉइंट्स आपके पास है, तो मंजिल तो आपके सामने ही है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं 8वां प्रश्न। फॉलो फादर कहते हैं तो इनको देखो ये कैसे डैश हुआ, सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण कर दिया। ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए। 4 ऑप्शन, ऑप्शन लाइट, ऑप्शन बी सरेंडर, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी करीब नवाज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन बी सरेंडर। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, सिल्वर क्राउन आपके हिस्से में आ गया अगर 80 पॉइंट से संपन्न है आप। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बेहद बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं, मुबारक ही, बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए सिल्वर क्राउन तो ले लिया है, ज्ञान भी लेते हैं। बाबा ने क्या कहा है? बाबा कहते मीठे बच्चे उच्च पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा है, इसलिए जितना चाहो उतना गैलप कर लो। उच्च पद पाना है तो सिंपल बात है, पढ़ाई और याद की यात्रा पर अटेंशन दो, उसमें जितना चाहो गैलप कर लो, फिर स्वतः ही सेवा होगी। क्योंकि धारणा ही उच्च जीवन हो जाएगा तो वो सेवा स्वतः ही कराएगा। बढ़ते आगे, रखते हैं 9वां सवाल।
पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और क्या भवा। चार ऑप्शन, ऑप्शन पार्वती, ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन सी संपूर्ण, ऑप्शन डी विष्णु की माला। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी संपूर्ण। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बेहद बधाइयां, बधाइयां, बधाइयां आप सभी को। 9 प्रश्नों का लगातार दिया सही जवाब, तो गोल्डन क्राउन कर लिया अपने नाम। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। लेकिन जो नहीं जीत पाए घबराइए नहीं, निराश मत होइए, एक प्रश्न और आपके सामने रखते हैं। अंतिम सवाल आपकी व्हाट्सएप स्क्रीन पर, विस्तार को सार में समाने की क्या सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। चार ऑप्शन, ऑप्शन सर्विस, ऑप्शन डी जादूगरी, ऑप्शन सी रूहानी स्नेह, ऑप्शन डी गुड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त, सही जो ऑप्शन भी जादूगरी। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखिए फिर एक बार आप सभी ने करा है हिम्मत का काम और अब जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब अनुभव करें आज तो डायमंड हॉल में उड़ के पहुंच जाए सभी रूहानी कमांडोस और फील करिए स्वयं बाप दादा स्टेज पर बैठ कर आपको दे रहे हैं दृष्टि। अनुभव करें और उस अनुभव में खो जाएं, परमात्मा की शक्तियों का अनुभव करें और उस अनुभव में खो जाएं। अब फील करें स्वयं भगवान आपको स्टेज पर बुला रहा है और बड़े ही प्यार से आपके सिर पर ताज सजा चुका है। वरदान देते हुए कह रहा है बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा, निर्विघ्न भवा, सर्व शक्तियों से आप स्वयं को भरपूर अनुभव कर रहे हैं और बाबा का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो परमात्मा का करें धन्यवाद और दिल से करें शुक्रिया बारंबार। हमें दीजिए छुट्टी और हम आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो। रखिएगा ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा। अच्छा, ओम शांति।